अभी देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। बीपीएसएससी आयोग के द्वारा दरोगा बहाली का एसआई का जो रिजल्ट निकाला गया उसका कार्यालय यहीं पर है और उसके कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं। और अभी जो ये छात्र दिख रहे हैं ये अभ्यर्थी अभी कई समस्याओं को लेकर हमें बता रहे थे। हम अभी जानेंगे और अभी बताएंगे कि इनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है। इनका कहना है कि हमारा ज़्यादा सही है पर रिजल्ट उसमें जारी नहीं हुआ है, तो उसको लेकर जो समस्याएं हैं वो अभी बताएंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? आप राजीव कुमार नाम हुआ मेरा। एक्चुअली हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। जो बीते दो दिन पहले जो बीपीएससी आयोग जो रिजल्ट जारी किए दरोगा अभ्यर्थी का, उसमें मुख्य परीक्षा में ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो अपने कैटेगरी में से भी फालतू अधिक नंबर लाने के बावजूद भी वो रिजल्ट में पीडीएफ में उनका रोल नंबर नहीं है। और ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो इस चीज़ की मार झेल रहे हैं। और हम आयोग से ये चाहते हैं कि आयोग बीपीएससी के तहत जिस तरह बीपीएससी अपना आंसर की रिलीज़ करती है, उस प्रकार से बीपीएसएससी भी अपना आंसर की रिलीज़ करे, पब्लिक डोमेन में लाए। कहीं ना कहीं एक बड़े लार्ज मात्रा में यह धांधली हो रहा है जो कि बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है। कहीं कहीं आप अगर पीडीएफ में देखिएगा रोल नंबर तो कहीं कहीं पूरे रूम में ही एक कतार से बच्चों का रोल नंबर पास किया है और कहीं कहीं बच्चों का नाम ही नहीं है। कहीं ना कहीं धांधली को इंडिकेट करता है। आपका क्या कहना है भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ और पटना से आया हैं। क्या आपकी समस्या है? समस्या है कि मेरा 80 प्लस नंबर है। अच्छा। लेकिन बीसी कैटेगरी से है और कट ऑफ गया 73, फिर भी रिजल्ट नहीं है। बीपीएसएससी आयोग की तरफ से मैंने धांधली हुआ है कस के। और इसमें यही हम लोग का मांग है सारे बच्चों को कि ओएमआर सीट और एंसर की हम लोग को दिया जाए और दिखाया जाए, मान लिया जाए। ठीक है, हम लोग का कम भी नंबर है, हम लोग को दिया जाए। इसकी एक व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। आप क्या कह रहे थे भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आयोग द्वारा जो कट ऑफ जारी किया गया है, मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, उससे मेरा 15 मार्क्स ज़्यादा है। अच्छा। फिर भी मेरा पीडीएफ में नाम नहीं है। फिर भी उस जो 15,231 अभ्यर्थी हैं उसमें नाम नहीं है? उसमें मेरा नाम नहीं है। अच्छा। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकाश कुमार हुआ। आपकी भी वही समस्या? हाँ, मेरी समस्या ये है कि मैं ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। 81 सही था, उसको निगेटिव काट करके 79 पॉइंट कुछ नंबर आ रहा था। ठीक है, 79 पॉइंट कुछ था। उसके बाद भी मेरा रिजल्ट नहीं जारी किया गया है और ना ही ये मेंशन किया गया है। आप लोग उधर चले गए ना, रोड जाम हो जाएगा। चलिए हम और भी कुछ लोगों से जानते हैं। क्या बता रहे थे भैया, कोई अच्छे से बताइए। बंटी कुमार मेरा नाम हुआ। जी आयोग के द्वारा जनरल कैटेगरी में 75.8 कट ऑफ जारी किया गया, लेकिन मेरा सब कार्ड टूट के 79 क्वेश्चन सही, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं। और लगातार ई आयोग से हम लोग जब सुबह से ही आए हुए और मिले तो इसके बाद इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि हम लोग कुछ जानते ही नहीं, सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। एक तो कहा जा रहा है आरटीआई की जो सिस्टम है, तो आरटीआई की सिस्टम पिछले बार भी जो 1717 दरोगा का जो भी आया था विज्ञापन, तो उसमें भी हम छात्रों के साथ इसी तरह किया गया कि अंडर प्रोसेस और अंतोगत परिणाम सुनहसिल हुआ। और जब हम लोग यहाँ के अधिकारी से मिले तो वो बोले कि हम लोग को चेयरमैन साहब से बात करवाया जाए, तो ये फिर चेयरमैन साहब से कोई यहाँ के अधिकारी गए तो बोले कि चेयरमैन सर नहीं बात करेंगे। मतलब ये दिखाता है कि आयोग कितने व्यापक पैमाने पर धांधली कर रहा है, ये हम छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। लगातार सुबह से पड़े हुए, लेकिन यहाँ के जो आयोग के जो भी सदस्य हैं, परिणाम मतलब ऐसे व्यवहार किया जा रहा है जैसे हम लोग छात्रों के साथ ये पूरी के पूरी जिंदगी को खेला जा रहा है। हम लोग इतना हम आयोग से यही कहना है कि आप पब्लिक डोमेन में आंसर की को जारी करिए और ओएमआर को बाहर करिए, ताकि ये हम मेरी रिजल्ट हो या ना हो ये डज नॉट मैटर, लेकिन ये हो कि पब्लिक डोमेन में हो। अगर कोई बच्चा है 85 नंबर लाया तो वो जान के संतुष्ट हो। ये बहुत घोर अन्याय किया जा रहा है छात्रों से। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? अभी तो यहाँ पर एक बार कैमरामैन साहब जरा घुमा देंगे, एक बार दिखला देंगे। इतने लोग हैं, लगभग 50 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, पर पूरी संख्याएं कितनी हो गई लगभग जोड़ के? सर यहाँ पे हमें लग रहा है कि कम से कम अभी तक अभी हम लोग कम से कम 3,000 के आसपास कैंडिडेट को ऐसे ग्रुप में हम जान रहे हैं कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है इस कारण से। हाँ, करीब 3,000 लोग इस तरह के। 15,000 रिजल्ट निकला है तो मतलब 18,000 रिजल्ट निकालना चाहिए था। रिजल्ट कितना निकालना चाहिए था वो तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो हम लोग जाने हैं अभी तक में कि ऐसे इतने लोग हैं जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनका रिजल्ट उनके लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनका रोल नंबर नहीं है। और आयोग के अध्यक्ष जी अभी यहीं होंगे क्या? यही है सर, अभी यहीं है, लेकिन हम लोग अभी मिलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मिलने नहीं दिया गया हमको। कोई एक दो छात्र जाकर मिलिए उनको अपनी समस्या। हम प्रयास किए हैं मिलने का लेकिन हमको टाइम दिया गया है, बोले कि अभी नहीं मिल सकते हैं आप,
और थोड़ा वेट करने के लिए कहा गया है। थोड़ा वेट करने नहीं, वेट करने के लिए नहीं, बोला है कि वो आरटीआई डाली, आरटीआई से ही पता लगेगा, यहाँ कुछ नहीं बताया जा सकता। मेरा यहाँ कुछ नहीं बताया जा सकता, उन्होंने बोला कि यहाँ कुछ नहीं बताया जाएगा, आप आरटीआई फाइल कीजिए, आप कोर्ट जाइए, केस करिए। सर हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम कारण छाट देने छाट दिया गया है, तो उसका रोल नंबर कम से कम प्रकाशित कीजिए भैया, किस कारण से छाटा गया है ये भी बताइए। तो आप सिर्फ 1400 कुछ अभ्यर्थी को बोल देंगे छाट दिया गया है, तो 1400 अभ्यर्थी में कौन कौन है, इसमें से आधा को हो सके 1400 अभ्यर्थी में कुछ लोग हों तो वो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन उनके तरफ से ऐसा कुछ नहीं, बस एक नंबर डाटा दे दिया गया है कि 1400 अभ्यर्थी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण है, उसका रोल नंबर भी नहीं दिया गया है। और बताएंगे ना भाई कि किस कारण से, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है तो हम साइन छोड़ दिए हैं, हिंदी में साइन नहीं किए हैं या फिर हिंदी राइटिंग नहीं किए हैं, अरे आप ये तो बताइए कम से कम, तो बस एक डाटा दे दिए हैं, उसका पीडीएफ अलग से जारी कीजिए, पब्लिक डोमेन में बताइए भाई, आंसर की लाइए, आंसर की क्यों नहीं जारी किया गया, नहीं पूछा आयोग से कोई, इसलिए नहीं डाला जाता है ताकि लड़का लोग जान जाएगा, जानने के बाद ज्यादा हड़कंप मचाएगा, कहा कि जान रहे पूरा आयोग करप्ट है, पूरा आयोग करप्ट है। अब किस आयोग के करप्शन पे हम एक और वीडियो बनाएंगे, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, यहाँ पर लगभग दर्जनों छात्र से अधिक हैं और अलग अलग समस्याओं पर हम दिखाएंगे, अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।